सोशल मीडिया पर हर तरफ लोगों की 20 साल पुरानी तस्वीरें हो या सेलिब्रिटीज की बुढ़ापे की छवि, लोग लगातार फेस ऐप की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जितना आनंद आप इस ऐप का ले रहे हैं, उतना ही एक्सपर्ट इसको लेकर तनाव में है। उनका कहना है कि अनजाने में सबका डेटा यह ऐप चुरा रही है। जानकार बताते हैं, यह ऐप खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। इस ऐप में अगर आप जंप कर रहे हैं या आपको डाउनलोड कर रहे हैं तो अपनी कमर कस लीजिए। क्यों? क्योंकि ऐप ऑलरेडी आपको ट्रेलर दिखा रही है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। अगर आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें तो ऐप कुछ बुनियादी चीज़ें आपको बता रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात कि ऐप कह रही है कि मैं आपकी तमाम सारी जानकारी लूँगी और आप मुझे अधिकार देंगे कि अगले 99 सालों के लिए वो तमाम सारी जानकारी ये कंपनी इस्तेमाल कर सकती है, उसको मोनेटाइज कर सकती है, बेच सकती है, खरीद सकती है या किसी और पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकती है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि साहब जो आप तस्वीर खींच रहे हैं और ऐप पर अपलोड कर रहे हैं उस पर आपकी कोई निजता नहीं है, वो तमाम सारे अधिकार कंपनियों के होंगे। तीसरी बात, ये कंपनियाँ आपकी जानकारी क्लाउड पर भी शेयर कर रही हैं, लेकिन कहाँ रिटेन कर रही है, किस तरह की साइबर सुरक्षा कदम उठा रही है, ये बातें कंपनी हमें बता नहीं रही है। बल्कि टर्म्स एंड कंडीशंस तो इतने ज़्यादा बेशर्मी से लगाए गए हैं कि वो कहते हैं कि साहब हम आपको गारंटी नहीं कर रहे हैं कि कोई साइबर सुरक्षित होगी आपकी जानकारी, आपकी जानकारी असुरक्षित है और रहेगी, और आप हमें ये अधिकार देते हैं कि हम आपकी जो असुरक्षित जानकारी है उसका इस्तेमाल कर सकें। ये ऐप खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आप सचमुच खाई में कूद रहे हैं, क्योंकि इसकी नियम और शर्तें खतरनाक हैं। ऐप आपके डेटा और जानकारी तक पहुंचने के लिए आपसे अनुमति लेता है और जिसे कंपनी द्वारा अगले 99 वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है और इसे किसी अन्य थर्ड पार्टी के साथ साझा भी किया जा सकता है। आप जो तस्वीर ऐप पर अपलोड कर रहे हैं वह आपकी संपत्ति नहीं है और आपसे निजता के अधिकारों को छीन लेती है। ऐप आपकी व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करता है। साइबर सुरक्षा के जो उपाय किए गए हैं वो भी खतरे में ही समझिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि आप अपनी गोपनीयता की परवाह करते हैं, ऐप के बारे में आपको जितनी भी उत्सुकता हो आप दूर ही रहें। चेहरे की विशेषताओं को दर्शाने वाली तस्वीरों का बाजार में बहुत बड़ा मूल्य है और कहां और कैसे यह ऐप साइबर क्राइम की ओर आपको धकेल रहा है आप सोच भी नहीं सकते। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि आपकी निजी जानकारी के साथ समझौता किया जा रहा है तो इसका उपयोग न करें।